को ये कुंग फू चैंपियनशिप मैच देखने चलेंगे? हाँ हाँ जरूर चलेंगे, और मैं तो इस फाइटर साबू को जानता भी हूँ। ये वेदा शहर की तरफ से लड़ रहा है। चलो साबू को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, एक बार साबू को गुंडों ने घेर लिया, उसकी जान खतरे में थी और अचानक मैं वहाँ आ गया। मैंने गुंडों को मार मार के भगा दिया। ये लोग मेरी बात को कभी सीरियस लेते ही नहीं। साबू बहुत खतरनाक फाइटर है, इसे रास्ते से हटाना होगा, वरना ये चैंपियनशिप जीतना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आप जाबोश, हम लोग इसको गोल गोल के माल माल के गोल माल कर देगा। वाह सर वाह, आप कमाल के फाइटर हो। ओए बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, डिस्टर्ब मत करो, मुझे प्रैक्टिस करने दो। सॉरी सर, हम तो बस आपको प्रैक्टिस करता देख कुछ सीखना चाहते थे। मैंने कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं खोला है, चलो भागो यहाँ से। बड़ा घमंडी आदमी है ये तो। छोड़ो छोड़ो मेरे उस्ताद को। वो तो साबू को पकड़ के ले जा रहे हैं, चलो हमें उसको बचाना होगा। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। अरे पकड़ो इसको। आपको ये गुंडे उठाकर ले जा रहे थे। हाँ, और शिवा ने आपको बचाया। मुझे क्या कोई बचाएगा, मेरे डर से अच्छे अच्छे भाग जाते हैं। उन गुंडों ने देखा मैं बोरे से निकलने वाला हूँ तो डर कर भाग गए, देखा मेरा जलवा।
वो जानते थे मैं बोरे से निकल के आया तो बहुत मारूंगा। मैं बंद बोरे से निकलना जानता हूँ, और तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? चलो भागो, अपने घर जाओ। मेरा तो मन कर रहा था दो से एक घुमा के। घमंडी एरोगेंट इंसान। अरे क्या बेटा, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? ये कराटे वराटे काम नहीं आएंगे, जीवन में आगे चलकर संगीत काम आएगा। संगीत। कर रहे हो? अरे आपकी तान में ऐसा असर है कि कभी प्लेट के ऊपर नाचने लगता है, तो अब हम क्या करें? ऐसा क्या? तो सुन और सुनाता। लगता है इस आदमी ने साबू के ड्रिंक में कुछ मिला दिया। सर, पानी मत पियो, पानी मत पियो, उसमें कुछ मिला हुआ है। पानी मत पियो। तुम लोग फिर आ गए? जाओ यहाँ से। बार बार मुझे डिस्टर्ब करने क्यों आ जाते हो? नहीं। ओ, 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 ओ। फिर भाग गए ना? भागते कैसे नहीं, मैं एक अकेला 20 के बराबर हूँ। सर, आपकी जान को खतरा है, वो बार बार आपको पकड़ने आते हैं, वो नहीं चाहते कि आप चैंपियनशिप में हिस्सा लो। मेरी जान को खतरा? मेरी जान को खतरा? ए, तुम बच्चे फिर आ गए? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? चलो भागो, जाओ यहाँ से। तुम क्या सोच रही थी? वही जो तुम सोच रहे थे। मैं भी वही सोच रहा था, काश कि ऐसा ही होता। क्या होता? कुछ नहीं अंकल, जो हम सोच रहे थे वो कर नहीं सकते, इसलिए बताने का क्या फायदा। वो छोड़िए, आप अपना ध्यान दीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको चैंपियनशिप में भाग लेने से रोकना चाहता है, आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है। मुझे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, उल्टा मैं लोगों को प्रोटेक्ट करता हूँ। अब भागो यहाँ से, जाओ। छुप छुप के मेरे लड़ने के तरीके सीख रहे हो, भागो। अगर कोई उसे ले गया तो वेदास सिटी से कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं होगा, और कुंग फू चैंपियनशिप ट्रॉफी हमें नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, मैं भेस बदल कर जाऊंगा और उसके आसपास रहकर उसे प्रोटेक्शन दूंगा। तुम लोग चिंता मत करो,
मेरा नाम लड्डू सिंह ऐसे ही फेमस थोड़ी हो गया। लगता है ये गुंडा मेरे पीछे लगा है। ए रुक, अभी इसको सबक सिखाता हूँ। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों पीट रहे हो भाई? मैं इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर क्यों? थोड़ी देर में तू कमिश्नर बन जाएगा। जरा मेरे 10-20 पंच खा तो ले। अरे अरे छोड़ दो छोड़ दो। अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर रुकिए, ये सचमुच इंस्पेक्टर लड्डू सिंह जी हैं। तो तुमने लगाया था लड्डू सिंह को मेरे पीछे? हाँ, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है। आपके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, साबू अकेला ही वन मैन आर्मी है। तुम लोग चिंता मत करो, चैंपियनशिप में मैं ही जीतूंगा। लगाने दो गुंडों को, वो जितना जोर लगा सकते हैं, लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चा बच्चा, ये बच्चा कौन है जो हर बार हमारा प्लान फेल कर देता है? बच्चा मत कहो उसे बॉस, वो हम जैसे 10 बड़ों के बराबर ही। साबू को बाद में देखेंगे, पहले उस बच्चे को पकड़ कर लाओ। अब तक तो वो गुंडे साबू को पकड़ के ले जा नहीं सके। बस आज की चैंपियनशिप हो जाए और उसमें साबू जीत जाए तो मजा आ जाए। हाँ, है तो घमंडी, लेकिन वेदा शहर की इज्जत का सवाल जो है। ये जरूर उन गुंडों की साजिश होगी। शिवा ने उनकी हर कोशिश नाकाम कर दी, इसके लिए इस बार वो शिवा को ही पकड़ ले गए। वो जरूर शिवा को चैंपियनशिप वाली जगह पर ले गए होंगे। चलो चल के शिवा की मदद करते हैं। बात दूसरों के कान में टांग रहता है, अभी इधर ही बंद रहेगा तुम जब तक चैंपियनशिप खत्म नहीं हो जाता। हेलो रेवा, मैं एक पुराने किले के टावर में बंद हूँ। चैंपियनशिप भी इसी किले में होनी है। कौन से टावर में हो? किले के 4 टावर्स हैं। एक मिनट। ये शिवा, देख लिया? डोंट वरी, हम किसी तरह वहाँ रस्सी फेंकते हैं, तुम उससे उतर के आ जाना। ओके रेवा, थैंक्स। नो सॉरी नो थैंक्स, याद है? चैंपियनशिप शुरू की जाए। चैंपियनशिप का पहला मुकाबला होने जा रहा है स्कॉरपेस और वीनस सिटी के फाइटर रॉकी के बीच में। अगले फाइट में आमने सामने होंगे वेदा सिटी के फाइटर साबू और ब्रह्मा सिटी के फाइटर शेरा। ये रस्सी इतनी ऊपर कैसे फेंकी जाए? एक बार गांव में ऐसे ही जरूरत पड़ गई थी और मैंने तीर में रस्सी बांध के
इतनी जोर से फेंका कि तीर कमान। यस यस यस, वेरी गुड आइडिया। आइए देखते हैं स्कारफेस और विंडर सिटी के चैंपियन विराट के बीच कौन बाजी मारता है। और अब इस सेमीफाइनल राउंड में वेदा सिटी के चैंपियन साबू और ग्रंथा सिटी के फाइटर भैरो में किसकी जीत होगी? आदि, आज तो सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। रोज तो लंबी लंबी भेंगे बहुत बोर करते हो हमें। आज तुम्हारी इज्जत का सवाल है। यकीन नहीं हो रहा, तुमने कर दिया। ये लौट आओ वरना रस्सी खोल दूंगा और तुम नीचे जाओगे। सॉरी अंकल, लौटने का इरादा नहीं। बाय। शिवा, जल्दी चलो, चैंपियनशिप कब की शुरू हो गई? इसे क्या हुआ? आज इसने जो कर दिया है वो अगले 100 साल तक हमें सुनना पड़ेगा। जल्दी चलो। और फाइनल राउंड में आए हैं स्कारफेस और साबू। हम सही समय पर आए, अब फाइनल फाइट है। वाह, मजा आएगा। मुझसे लड़े बिना ही ये डर के मारे बेहोश हो गया। ये चीटिंग है, इसे बेहोश किया गया है। लड्डू सिंह जी, बताइए पहले भी ऐसा किया गया था? यस, पहले 2 बार ऐसी कोशिश की गई और ये चीटिंग है, चीटिंग, सरासर चीटिंग। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है। अगर बेताल शहर की तरफ से कोई और लड़ना चाहे तो मैं उसे मौका दे सकता हूँ, लेकिन अगर कोई नहीं लड़ता तो स्कारफेस को ही विनर घोषित करना पड़ेगा। वेदा शहर की तरफ से शिवा लड़ेगा। आदि, ये क्या कर दिया? ये हमारे शहर की इज्जत का सवाल है। हे बच्चे, बहुत नाम सुना है तुम्हारा, आओ आओ लड़ो मुझसे। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा नाम है मेरा। ये तो कमाल हो गया, इतना छोटा लड़का स्कारफेस से लड़ेगा। कोई बात नहीं, आई कैन सी वो लड़ सकता है। मुकाबला शुरू हो। Ah!
मैं शिवा को ट्रॉफी देना चाहता हूँ। शिवा ने मुझे सिखाया कि इंसानियत क्या होती है। आदमी को अपनी कला पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये इतना छोटा लड़का इतनी अच्छी फाइट करता है, लेकिन इसे बिल्कुल भी घमंड नहीं है। ये एकदम डाउन टू अर्थ है। इसने 2-3 बार मुझे गुंडों द्वारा ले जाने से बचाया, लेकिन मैंने अपने अहंकार के कारण कभी ये बात स्वीकार नहीं की कि ये लड़का मुझे बचा सकता है, और इसे थैंक यू बोलने के बजाय मैंने इसे भगा दिया। मैं समझता हूँ हम सबको शिवा से बहुत कुछ सीखना चाहिए। थैंक यू शिवा।